हाय दोस्तों, मैं दिग्गज सिंह चौहान आपके अपने यूट्यूब चैनल रनिंग फिटनेस क्लब नीमच में आप सभी का स्वागत करता हूं। मध्य प्रदेश प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड द्वारा जो 2022 के अंत तक जितनी भी भर्ती आने वाली है उसका डैशबोर्ड और कैलेंडर जारी कर चुका है और उसमें वन रक्षक भर्ती परीक्षा भी है और इसका से कल मैं वीडियो बना चुका हूँ कौन कौन सी भर्ती परीक्षाएँ हैं। और आज हम बात करेंगे वन रक्षक भर्ती परीक्षा का सिलेबस के बारे में, किस किस पोर्शन से कितने नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और जो 2017 था और उससे पहले वन रक्षक की भर्ती परीक्षा कैसे हुई थी, कितने नंबर पर हुई थी, 2017 में क्या पैटर्न रहा था, उस सब की संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में आपके रहेंगी। चलो चलते हैं हम वीडियो की तरफ और देख लेते हैं सिलेबस किस प्रकार। जो आपका वन रक्षक भर्ती परीक्षा 2022 है, ठीक है, और अंतिम बार आई थी वन रक्षक भर्ती परीक्षा 2017 में, कब आई थी 2017 में आपके सामने आई थी और यह वैकेंसी जेल प्रहरी के साथ में आई थी, यह वैकेंसी जेल प्रहरी के साथ में आई थी 2017 में पे। और 2017 में क्या पैटर्न था, ठीक, 100 नंबर क्वेश्चन था, 100 नंबर का पेपर था आपका, ये 100 मार्क्स था और एक क्वेश्चन का एक नंबर मिल रहा था आपको, एक क्वेश्चन का एक नंबर, ठीक है, नंबर दिया जाता, माइनस मार्किंग नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, बिल्कुल नहीं थी इसमें। और इस पेपर में आपके 5 क्वेश्चन थे, ठीक है, 5 क्वेश्चन थे, ओ 5, ठीक है। फर्स्ट था आपका मैथ्स, दूसरा था आपका इंग्लिश और तीसरा क्वेश्चन था आपका हिंदी, चौथा था आपका जीके और पांचवा क्वेश्चन था आपका साइंस, ठीक है, ये 5 क्वेश्चन थे आपके सामने और प्रत्येक क्वेश्चन में 20-20 अंक के पूछे गए थे आपके, 20 नंबर की मैथ्स पूछी गई थी, 20 नंबर में आपका इंग्लिश था 20 और हिंदी भी आपकी 20 नंबर के थे और जीके में आपका 20 नंबर का, जिसमें आपके मध्य प्रदेश करंट अफेयर्स हो गया और करंट अफेयर हो गया आपका हिस्ट्री पॉलिटी और ज्योग्राफी इकोनॉमी और स्टैटिक जीके संपूर्ण रूप से पूछा गया था इसमें और साइंस भी आपके 20 नंबर की पूछी गई थी, ठीक है। टोटल हो गए 5 क्वेश्चन, 20-25-100, 5 क्वेश्चन हो गए, मतलब लगभग माना जाए तो एमपी पटवारी के जैसे सिलेबस है, एमपी पटवारी का और जो जेल प्रहरी का सिलेबस भी यही रहेगा। और मैथ्स बहुत सिंपल आती है, जो इसमें मैथ्स पूछी जाती है सिंपल रहती है, जो आपके फर्स्ट चैप्टर हैं, 2-3 चैप्टर शुरू के जो स्टार्टिंग चैप्टर रहते हैं, कैलकुलेटिव जो मैथ्स रहती है उसी के आधार पर 20 क्वेश्चन रहते हैं, 10 क्वेश्चन तो आपके ऐसे मिलेंगे कैलकुलेटिव नंबर सिस्टम से, 5-6 क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको नंबर से, सिंप्लीफिकेशन एलसीएम एसएफ और इसे और वर्क एंड टाइम से आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे। इंग्लिश भी बहुत सिंपल रहती है, ज़्यादा कोई टफ नहीं रहती, हिंदी भी और जीके और साइंस, ठीक है, ज़्यादातर कॉम्पिटिशन यहाँ रहता है इसका और इंग्लिश में, ठीक है, मैथ्स से तो सबसे हो जाएगी पर मैथ्स जिससे होगी जिसका कैलकुलेटिव अच्छा होगा, कैलकुलेशन ज़्यादा, क्योंकि कैलकुलेटिव मैथमेटिक्स पूछी जाती है। और इसके सिलेबस में भी बहुत सारे जो किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन बनते हैं पूछे जाते हैं, उसका अगला वीडियो बना दूंगा, इंग्लिश का भी और हिंदी का, जीके जीएस का। अब 2017 से पहले वैकेंसी आई थी वन रक्षक की 2014 में, ठीक है, 2013-14 है और उसमें पूछा जाता, उसमें सिलेबस अलग था, उसमें 2014 की बात है ये, ठीक है, 2014 या 15 की है, सपोज मान लो 2014-15 की बात है, ठीक, 2014 में आई थी या 2015 में आई। और इसमें 70 नंबर पेपर होता था, कितने नंबर का, 70 नंबर का पेपर था आपका और इसमें इंटरव्यू भी था। अब इसमें मैथ्स 40 नंबर की पूछी गई थी आपके, मैथ्स 40 नंबर की, जीके और जीएस जनरल साइंस मिलाकर 30 नंबर की,
70, टोटल कितना हो गया 70 मार्क्स। मैथ्स इसमें थोड़ी लेवल पूछी जाती थी, एडवांस मैथ्स भी आती थी, ठीक है, मैंशनल 2D थी, ज्योमेट्री वगैरह पूछी गई थी। और मुझे जहाँ तक लगता है 2014 में ज़्यादातर बच्चे इस मैथ्स की वजह से लगे थे, जिसमें BSc और MSc कर रखा था, लड़के अधिकतर वही लड़के लगे हैं जेल प्रहरी में, क्योंकि उस टाइम मेरिट भी हाई गई थी, मतलब 65 ऊपर गई थी ST SC से लगाकर, और जनरल की मुझे लगता है 69 के समथिंग गई थी, जहाँ तक मुझे याद है रिमेम्बर। तो ये पैटर्न आपका है, और इससे मैं बता दूँ आपको मैथ्स में किस सब्जेक्ट से कितने, किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन पूछे गए थे, और इसके पुराने पेपर भी मैं सोल्व करके बता दूँगा आपको अगले वीडियो में। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और आप अपने फ्रेंड्स से कम शेयर जरूर कीजिएगा, और आगे अंत चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, जिससे जितने भी वीडियो अपलोड होते हैं तुरंत प्रभाव से आपको पेश हो जाएंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।